हाय, अरे मनोज, मैंने अपने पिछले वीडियो में भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन एवं उसके यौगिक, बर्जीलियस ने 1815 में यह धारणा दी थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों में ही होता है, उसे कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता तथा इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा। 1828 में वॉलर ने इस सिद्धांत का खंडन किया था। उन्होंने कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था, NH4SO4+2KCNO, अमोनियम सल्फेट की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई, उसको गर्म किया प्रयोगशाला में। ये गर्म करने का निशान है, हीट दी। हीट देने के बाद में जो पदार्थ बना था K2SO4+2NH4CNO, ये पदार्थ बना था। अमोनियम सल्फेट की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाने पर पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनाइड का निर्माण हुआ था। अमोनियम साइनाइड को गर्म करते हैं, उसके बाद में बना NH2CO NH2, इस चीज का निर्माण हुआ। अब आता है ये यूरिया, तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ यूरिया, जो कि अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड से मिलकर बना है। तो इस तरह यह बर्जीलियस का सिद्धांत का खंडन हुआ, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। अब आते हैं कि कार्बन की विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। कार्बन की मुख्य विशेषताएं होती है कि यह पीरियोडिक टेबल पे 6 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आएगा कार्बन, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, और पीरियोडिक टेबल पर आता है 6 नंबर पर। कार्बन का नंबर हो गया 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 है। इसका जो संयोजकता होती है 4 होती है। हम जानते हैं कि कार्बन का जो आकार होता है छोटा होता है, इसका आकार छोटा होने के कारण क्या होगा, इसके आंतरिक में 2 और बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंतरिक कक्ष में 2 और बाह्य में 4 होते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी तत्व है जो अपने बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो इसको 8 करने के लिए जो बाह्य कक्ष है, या तो कार्बन है प्लस 4 जोड़ेगा या 4 घटाएगा, या तो 0 कर लेगा बाह्य कक्ष में या 8 करना चाहेगा। ये विशेषता होती है तत्वों की। तो इसलिए क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा 4, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 4, वैलेंसी 4। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 1, 2, 3, 4, तो ये 4 के साथ सहयोग कर सकता है। तो या तो 4 के साथ सहयोग करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। अब ये जो बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बॉन्ड होता है, ये 3 तरह से बॉन्ड बनाता है। ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, उसके बाद में आएगा ये डबल बॉन्ड हो गया, फॉर्मेलिएट का सूत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड ने 2 डबल बॉन्ड बना लिए, और हाइड्रोजन साइनाइड
ये हाइड्रोजन साइनाइड इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गए, तो इस तरह ये वेलोसिटी अपनी कंप्लीट करेगा। अब आता है कि जो कार्बन जो चार बॉन्ड बना रहा है अलग अलग, ये किस तरह से बॉन्ड बनाता है, इसका बॉन्ड का आकार कैसा होता है। ये होता है समचतुष्फलक की आकृति का ये बॉन्ड बनाता है, पिरामिड टाइप होता है ना, इस तरह समचतुष्फलक ये। और इसके केंद्र में कार्बन होता है और ये बॉन्ड एंगल होता है एक सौ नौ डिग्री अट्ठाईस सेकेंड, ये इसका बॉन्ड एंगल। अब आता है कि जो कार्बन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है। इस इक्विवेलेंट होने के कारण कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होकर हाइड्रोजन में जा सकते हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर आ जा सकते हैं, इसलिए सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं जो बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है। इसके बाद आता है कार्बन की विशेष गुण होता है श्रृंखला बनाने का, श्रृंखला जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं। ये इस तरह कार्बन जुड़ता जाएगा, दुनिया में जितने भी ज्ञात तत्व है उनमें से कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक लंबाई में सहसंयोजी बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो आकार होता है छोटा होता है, एकदम कॉम्पैक्ट होता है, जल्दी से इसके आकर्षण को इनके जो बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत कम होता है, इस कारण ये इसके इलेक्ट्रॉन आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं, इस कारण से ये सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। ये तो हो गया अशाखित। इस तरह ये शाखित भी बना सकता है। ये अति शाखित। इसके बाद में आ गया एरोमेटिक। एरोमेटिक इस तरह बेंजीन है, ये एरोमेटिक हो गया चक्रीय। इसके बाद एलिफेटिक आएगा इस तरह, एलिफेटिक में सिंगल बॉन्ड होंगे, एरोमेटिक में दो बॉन्ड होंगे, तो इस तरह ये श्रृंखला बना सकता है, लंबी लंबी श्रृंखला बना सकता है। हाइड्रोकार्बन और उसका वर्गीकरण, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बॉन्ड जो यौगिक बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का निर्माण प्राकृतिक अवस्था में मुक्त में एयर में नहीं हो सकता, इसके लिए किसी अन्य साथ में सहायक अणुओं की आवश्यकता होती है, दाब की आवश्यकता होती है, तो इसमें सहायक अणु होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इस तरह इनके साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। अब आता है हाइड्रोकार्बन का ये जो वर्गीकरण कैसे करते हैं, कैसे इनको बांट रखा है, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन है इनको दो भागों में बांट रखा है मुख्यतः, एक तो होता है चक्रीय और अचक्रीय, तो उसको हम समझते हैं ग्राफ के द्वारा। अचक्रीय और चक्रीय, अचक्रीय को भी तीन भागों में बांट रखा है, पहला संतृप्त, असंतृप्त, पहला संतृप्त है उसको कहते हैं एल्केन और असंतृप्त होते हैं एल्कीन
एल्काइन। तो चक्रीय तीन भागों में बांट रखे हैं, एल्किन एल्किन एल्काइन। अब आएगा चक्रीय, चक्रीय में दो भागों में बांटा होता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक में क्या होगा, इस तरह सिंगल बॉन्ड बनाएगा ये साइक्लोहेक्सेन, और इसमें आएगा इस तरह डबल बॉन्ड साथ में बेंजीन। एलिफैटिक जलने पर धुआं नहीं देते हैं, ये जलने पर धुआं देंगे। तो ये इस तरह कार्बन का वर्गीकरण किया गया है।